1.25 लाख का इनामी एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर। पुलिस के लिए सरदर्द बने 1.25 लाख के इनामी अपराधी गुफरान को मंगलवार की भोर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। मुठभेड़ सदर कोतवाली के कादीपुर के समीप हुई है। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में गुफरान की मौत हुई। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन और एक पिस्टल के साथ कारतूस बरामद किया है। प्रतापगढ़ के कोतवाली आजाद नगर निवासी गुफरान पुत्र रिजवान शातिर अपराधी था। लूट हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2022 में गुफरान ने सुल्तानपुर में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप में लूट की घटना को अंजाम दिया था। गोली लगने से एक कर्मी भी घायल हुआ था। इसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं चर्चित तनवीर हत्याकांड और तांत्रिक हत्याकांड में भी गुफरान फरार चल रहा था। प्रयागराज के आईजी ने इस आरोपी को अरेस्ट करने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया था। ये खतरनाक अपराधी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज के अलावा कई जनपदों में गैंग के साथ घटनाएं अंजाम देता था। सोमवार को रात लखनऊ एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को सूचना मिली कि गुफरान अपने एक साथी के साथ बाइक से कौशाम्बी में घटना अंजाम देने निकला है। सूचना मिलते ही एसटीएफ सक्रिय हो गई। सदर कोतवाली के कादीपुर के समीप बाइक सवार गुफरान व उसके साथी को एसटीएफ ने ससुर खदरी नदी किनारे गुफरान को घेर लिया। गुफरान ने पिस्टल और कार्बाइन से फायर किया। जवाब में एसटीएफ ने भी फायर किया। गोली लगने से गुफरान घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शातिर अपराधी की मौत हो गई। जानकारी होने पर एएसपी समर बहादुर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल, एक अपाचे बाइक के साथ 10 जिंदा व 7 खोखा कारतूस बरामद किया। एएसपी ने बताया कि गुफरान पर 1.25 लाख का इनाम था। इसके खिलाफ आधा दर्जन लूट और आधा दर्जन हत्या के मुकदमे कई जिलों में दर्ज हैं। गुफरान के फरार साथी की तलाश की जा रही है। ये गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों में पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इस पर 1,25,000 रुपये का रिवार्ड था। 1 लाख रुपये प्रयाग जोन से और 25,000 रुपये सुल्तानपुर जिले से। इससे एक 32 बोर का पिस्टल स्टार का, एक 9mm कार्बाइन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर, क्या अतीक से भी संबंध है इसका? कई बड़े अपराधियों से संबंध है। अभी ये जाँच का विषय है, जांच करेंगे, जो चीज़ तथ्य आएगा फिर बताया जाएगा। गैंग के बारे में इसके गैंग के कई लोग जेल में हैं, वो भी हम लोग पता कर रहे हैं। मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या कुछ डिटेल्स सामने आएंगे? देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है।